सर्दियों के दिनों में मैं घर पर दूध की मलाई से घी कैसे बनाती हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हो, मैंने फ्रीजर में अपनी दूध की मलाई को रखा हुआ था और मैं उसे बाहर निकाल लिया है मैंने। आप देख सकते हो, ये फ्रीजर में मैंने रखा हुआ था। फ्रीजर में रखने से क्या होता है कि हमारी मलाई जो है ना, खराब नहीं होती, स्मेल नहीं आता है। और एक दूसरा डब्बा भी है जो मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये मेरी जो मलाई है बिल्कुल जम गई है, फ्रिज हो गई है, एकदम हार्ड हो गई है। तो मैंने इसको निकाल के रख लिया है फ्रिज से बाहर। 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको इस तरीके से बाहर निकाल के रख दूंगी। इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, घी बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है इस मलाई को फेंटने के लिए। तो मैं दोनों डब्बों में से मलाई को भगोने में डाल लूंगी। आप देख सकते हैं, मलाई मेरी जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो गई है। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे बाहर निकाला था, उसके बाद मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रेखा रेमेडीज़ में। मैं हूँ रेखा और आप सभी का वेलकम करती हूँ दिल से। तो अगर आपको इस तरीके से घी बनाना चाहते हो अपने घर पे, तो आप पे वीडियो में बने रहिए। और ठंड के दिनों में मलाई से मक्खन बनाओ, फिर घी निकालो, उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, ठंड के दिनों में बहुत टाइम लग जाती है। तो आप देखिए कि मैं किस ट्रिक से इस मलाई को निकालूंगी, फेंट के मक्खन बनाऊंगी, फिर मैं घी बनाऊंगी। तो आप देखना मैं इसमें इस तरीके से क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी मलाई को निकाल लिया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, मलाई मेरी ज्यादा है, लगभग 2 सप्ताह की ये मेरी मलाई है, मैंने इकट्ठी की है। 15 से 16 दिन की ये मलाई है और मैंने इसको फ्रिजर में रखा हुआ था, जिससे कि मेरी मलाई में कोई भी स्मेल ना आए। तो अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए मलाई रखनी है फ्रिज में, तो आप फ्रिज के अंदर ना रखें, आपको फ्रीजर में रखना है। तो इससे क्या होता है कि मलाई में स्मेल नहीं आती है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपनी सारी मलाई को भगोने में निकाल लिया है। और थोड़ा सा अभी बीच में थोड़ा सा हार्ड है, तो वो थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको फेंटूंगी इस बीटर से। तो मैंने सारा मलाई को निकाल लिया है, हाथों में इस तरीके से लग गया है, और ये इसकी क्लिप है जिसको मैं लगा के इसको मलाई को बीट करूंगी, फेंटूंगी। 5 से 10 मिनट में ये बीट करने से निकल जाती है, बट यहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी मुश्किल हुई है निकालने में। मतलब कि ठंड का टाइम है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मेरे को निकालने में। तो इसमें मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है इस मलाई में। मम्मी बोलती है, दादी बोलती है, मतलब बड़े लोग बताते हैं, घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं कि इस तरीके से निकालोगे ठंड में, मलाई से घी बनाओगे तो ईजिली बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। बट मुझे ज़्यादा टाइम लग गई, पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके देख रही हूँ, थोड़ा सा मिला रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको इस बीटर से बीट करूँगी। यहाँ पे मलाई थोड़ी सी हाथ में मेरी लग गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लूँगी, क्योंकि हाथ में लग गई तो बिल्कुल चिपचिपी सी और स्लिपी स्लिपी सी होने लगती है। तो कोई चीज़ पकड़ने में, तो अच्छे से मैंने हाथों को वॉश कर लिया। उसके बाद मैं नमक डालने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको इस तरीके से रख दिया था। फिर उसके बाद मलाई मेरी सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हो वीडियो में। इसके बाद मैं बीटर से इसको बीट करूंगी। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, पहले मैं मथनी से, गर्मियों के दिनों में स्पेशली मैं इस मथनी से सिर्फ 2-4 बार मलाई को ऊपर नीचे से घुमाने से भी तुरंत निकल जाती है गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों में तो बहुत टाइम लग जाती है। तो इसलिए मैं इस मथनी से नहीं बनाऊंगी, मैं बीटर से ही इसको मलाई को बीट करूंगी, जिससे मक्खन आसानी से निकल जाए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैं गर्मियों में इस तरीके से निकालती हूँ, इस मथनी से इस तरीके से फेंट के मैं निकालती हूँ, और आसानी से गर्मियों में निकल जाती है। और आप देखो ठंड में मैं किस तरीके से घी बनाती हूँ, किस तरीके, देखिए आप देख सकते हो, ये जो मलाई है ना, मलाई का एक गोला अभी बिल्कुल हार्ड है, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका भी मतलब इक्वल नहीं हुआ है, तो हो जाएगी थोड़ी देर में। फिर इसके बाद मैं अच्छे से अपने हैंड को वाइप कर लिया है, फिर इसके बाद मैं इस बीटर को, बीटर की क्लिप को इसमें लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं मलाई को फेंटना स्टार्ट करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक दौड़ के पहुँच जाए और आप मेरी आने वाली वीडियो को देख पाए।
सीख सकते हो। मैंने मतलब को फ्रिज में लगा लिया है, फिर उसके बाद उस बेटर से मैं मलाई को फेंटना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ये है मेरी धीरे धीरे, बिल्कुल मैंने स्पीड इसकी मीडियम रखी है, हाई स्पीड नहीं किया है मैंने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं सर्दियों में ठंड में मलाई से घी बनाती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ठंड में घी बनाना। आ चुकी है मेरी मलाई में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी इसमें डालूंगी इस मलाई को फेंटने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी ही हमें यूज करना चाहिए मलाई को फेंटने के लिए। गर्मियों के दिनों में हम आइस डालते हैं, ठंड का मौसम है तो हमें गुनगुना पानी यूज करना है इस तरीके से। थोड़ा सा मैंने यूज किया है, आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने कप में पानी लिया हुआ है। ज्यादा पानी डालने से क्या होता है ना, बिल्कुल मलाई में उस पानी घुल जाती है और पतली जाती है। तो वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, आप देख सकते हैं मलाई में आपको दिखा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल और आपको इसमें पानी करूंगी, क्योंकि अगर एक सप्ताह की ये मेरी मलाई होती ना, तो मैं इसका जो पानी निकलता है मट्ठा छाछ, तब हमें यूज करना चाहिए। अगर पुरानी मलाई है तो यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगी कि नहीं यूज करना चाहिए। अगर 2 हफ्ते की है, 15 दिनों की मलाई है, तो ताजी मलाई का जो छाछ और मट्ठा निकलता है ना, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मक्खन को अच्छे से दबा दबा के गोले बना के मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो। और आप काउंट करते जाइए कि मैं यहाँ पे कितने मक्खन के गोले बना रही हूँ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने कितने मक्खन के गोले बनाए हैं, तभी मुझे पता चलेगी आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है आपने। तो ये मेरी सारी मक्खन बनके तैयार हो गई है, मक्खन वाले गोले बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हो इतने सारे। और आप काउंट करके मुझे बताइए कमेंट करके कि मैंने कितने मक्खन के गोले बनाए हैं। इसके बाद मैं अपने हाथों को वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है, वाइप करने के बाद मैं अब इस मक्खन को कढ़ाई में डालूंगी, और ये बीटर की जो क्लिप है इसमें भी मक्खन लगी हुई है, तो मैं इसको ऐसे ही नहीं फेंकूंगी, इसका भी मैं यूज कर लूंगी। मैं जब कढ़ाई में घी बनाऊंगी तो उसी में मैं इसको डाल दूंगी। तो आप आगे देखना वीडियो में। और यहाँ पे मैं बड़ी कढ़ाई लेके आई हूँ इस बार, हर बार मैं छोटी कढ़ाई में वीडियो शूट करती हूँ, इस बार मैं बड़ी कढ़ाई लेके आई हूँ, क्योंकि मक्खन भी ज्यादा है और घी भी ज्यादा बनने वाली है। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है, अभी मेरी गैस फुल फ्लेम पे है, जब मैं घी बनाऊंगी तो मीडियम फ्लेम कर लूंगी। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें घी बनाना चाहिए, तेज करके बिल्कुल गैस को घी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, मीडियम पे बनाना चाहिए। और सारे मक्खन के गोले मैं कढ़ाई में यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हो धीरे धीरे करके, और मेरी सारी मक्खन के जो गोले हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये प्लेट को मैंने हटा दिया इधर, इसके बाद मैंने ये क्लिप को इसमें डाला हुआ है, और इसको भी थोड़ा सा हिला लूंगी, जिससे कि इसकी जो मक्खन इसमें लगी हुई है वो इसमें कढ़ाई में आ जाएंगे, थोड़ा सा भी मक्खन हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो
तो आप देख सकते हो क्लिप्स के अंदर से सारी मक्खन मेल्ट हो गई है, पिघल गई है, और जो मक्खन के गोले हैं वो भी पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ी देर में पिघल जाएंगे। और मैं इसको यहाँ सिंक में मैंने रख दिया। इसके बाद मैं करछी की हेल्प से इस तरीके से इस मलाई को, मक्खन को जो भी है, इसको मैं मिलाऊंगी, चलाऊंगी। थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल घुल जाएगी। इसके बाद आप देखना कितनी बढ़िया मस्त घी बन के तैयार होगी, और ये गाय की घी बन के तैयार होगी बिल्कुल शुद्ध, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगी और ना ही कोई इसमें ऊपर से कलर मिक्स होगा। आप देखिएगा बिल्कुल गाय का शुद्ध घी बन के तैयार होगा, हल्का कलर येलोइश पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर में बनके अब तैयार होने वाली है कि। और आप देखिए यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम मीडियम कर दूंगी। जब ये सारे मक्खन के गोले सारे पिघल गए हैं, उसके बाद मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। मीडियम पे ही हमें घी बनाना है। जब मैं इस मलाई को फेंट रही थी, बीटर से बीट कर रही थी, मुझे काफ़ी टाइम लग गया ठंड की वजह से, जबकि मैंने इसमें नमक आधा चम्मच मिक्स किया था मलाई में मक्खन निकालने के लिए, तब जाके ये मेरी मलाई निकली है। बहुत टाइम लग गई मेरे को, 15 मिनट मेरे को मक्खन निकालते निकालते लग गई, और घी बनाने में सिर्फ 5 मिनट में कढ़ाई में मेरी घी बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी घी बन के ऑलमोस्ट अब तैयार होने वाली है, और कलर इसका ध्यान दीजिए, कलर देखिए। और ये जो मलाई का जो खुरचन आता है ना कढ़ाई में जब हम घी बनाते हैं, तो इसके नीचे जो ये जो व्हाइट व्हाइट जो हल्की सी आती है ना खुरचन, वो देखिए खुरचन मेरी कितनी कम आएगी। अगर आप इस तरीके से मक्खन बना के फिर घी बनाओगे तो आपकी जो घी है क्वांटिटी ज़्यादा आएगी और खुरचन आपकी कम निकलेगी। आप बिल्कुल लाइफ देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो आप भी इसी तरह तरीके से अपने घर में बनाइए शुद्ध घी। और मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया। आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर थी, गैस को बंद कर दिया। उसके 1 घंटे बाद मैं फिर से किचन में आई हूँ, और मैं इस घी को अपनी कांच की बर्नी में डालूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये मेरी कांच की बर्नी, पहले से घी रखी हुई थी, घी मेरी फिनिश हो गई है। अब मैं इसमें दोबारा से घी को ट्रांसफ़र करूंगी। तो आप देख सकती है कि देखिए कितना बढ़िया घी बनके तैयार हुआ है, गाय का शुद्ध घी। आप कलर देखिए, मैंने कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया है, हल्का येलो कलर आया है। तो घी खाना बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए हेल्दी होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं करछी की हेल्प से घी को जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप देखिए। और ये घी मेरी ठंडी हो गई है, हल्की सी, मतलब हल्की सी गर्म होगी, ठंड का मौसम है नहीं तो फिर एक जम जाएगी, इसलिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरीके से घी बनाती हूँ, जिससे आपको भी हेल्प हो जाए सर्दियों में, ठंड के दिनों में घी बनाना, मतलब घर पे घी मलाई से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जल्दी से मतलब मक्खन बन नहीं पाती है। तो अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बनाइए, थोड़ा सा नमक डालिए और उसको 5 मिनट के लिए वैसे मलाई को मिक्स करके नमक के साथ रख दीजिए, और बीट करिए उसको, फेंटिए, थोड़ी देर बाद हल्का सा गुनगुना पानी डालिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपकी बिल्कुल मस्त वाली घी बन के तैयार होगी, बिल्कुल ऐसी घी बनेगी। और खुरचन मेरी देखिए कढ़ाई में बिल्कुल वाइट है, जली नहीं है और थोड़ा सा ही खुरचन निकला है। और घी की क्वांटिटी देखिए, घी मेरी 1 किलो के लगभग बन के तैयार हुई है। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते की मलाई से मैंने 1 किलो के बराबर घी बनाया है। एक्चुअली ये 1 किलो ही है, ये जो कांच की बर्नी है 1 किलो का ही है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने खुरचन को दबा के जो भी थोड़ा सा बचा था घी वो भी दबा के निकाल लिया है, मस्त वाली घी तैयार हो गई है। और घर पे बहुत ही आसानी से मैंने ये घी बना के तैयार किया है आपके सामने, और ये गाय की घी है, और देख सकते हैं इसकी कलर कितनी पीले रंग की आई है, हल्के येलो कलर की आई है, मैंने इसमें कोई ऊपर से कलर नहीं मिलाया है, बिल्कुल शुद्ध।
और स्वादिष्ट घी बनके हमारी तैयार हुई है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए।